हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी अभी सीबीएसई की तरफ से क्लास 10th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक अपडेट आया है। उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक सर्कुलर जारी की है। अभी मैंने खोली हुई है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसके एकेडमी सेक्शन में जाएंगे तो सबसे ऊपर देखिए आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर्स उन्होंने जारी कर दिए हैं। तो दिस इज द क्लियर कट मीनिंग कि बोर्ड अभी पॉजिटिव है कि भाई आपके जो एग्जाम उन्होंने लेने हैं, वेदर इट्स ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड, क्योंकि सैम्पल पेपर अगर वो आपको अपडेट कर रहे हैं तो उसका सिंपल मीनिंग है कि वो एग्जाम को लेने के लिए फिलहाल पॉजिटिव है। तो हम अभी इस सर्कुलर को देखेंगे, ठीक है, कि सर्कुलर के अंदर उन्होंने स्कूल्स के लिए क्या भेजा है। ये सर्कुलर बेसिकली स्कूल्स को गया है, ठीक है। तो वहाँ पे लिंक शेयर किए गए हैं कि बच्चों को सैम्पल पेपर निकाल के दें ताकि बच्चों को पता लगे कि किस तरह का पेपर आ रहा है, कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है, कितने समय का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी ये जो पेपर आ रहे हैं हमारे स्पेशली क्लास 10th के, वो कैसे आ रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है, कितने मार्क्स का आ रहा है, कितना टाइम हमें अलाउड होगा, एंड सो ऑन। तो अभी अपना सर्कुलर खोलेगा जो कि स्कूल्स को गया है बेसिकली, ठीक है, प्रिंट फॉर्म में सीबीएसई मेल कर दिया स्कूल्स को। तो देखिए तो ये उन्होंने बेसिकली आप देख सकते हैं डायरेक्टर के नीचे साइन दिए हैं, टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिंक दिए हैं स्कूल प्रिंसिपल को, आप देख सकते हैं। ऑल द हेड्स ऑफ स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई, सभी को ये अभी सर्कुलर गया होगा ताकि वो अपने रिस्पेक्टिव बच्चों को यहाँ से सैंपल पेपर डाउनलोड करके दिखाने की, ऐसा पेपर आपको आने वाला है। तो अभी आपको थोड़ा एक सैंपल दिखा देता हूँ प्लस टू क्लास का, ठीक है, कि कैसे कैसा हमारा पेपर आने वाला है सीबीएसई क्लास प्लस टू का। तो आप देख सकते हैं जब हम इस पेज पे जा रहे हैं तो इस साइड टर्म 1 के सैंपल पेपर है और इस साइड टर्म 2 के हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जिनमें मान लीजिए केमिस्ट्री का पेपर आपको निकाल के दिखाता हूँ टर्म 2 का, तो ये मेरे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर आ गया केमिस्ट्री का। तो आप देख सकते हैं इसमें बच्चे कि इन्होंने ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो सब्जेक्टिव डाला हुआ है, ठीक है। 35 नंबर का पेपर होगा आपका, 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ तक इसका जो एनालिसिस किया है, ये जो पेपर है आपका केमिस्ट्री का लिटिल बिट टफ लग रहा है क्योंकि ये कंप्लीटली ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये जो आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन होता है, तो ये बेसिकली कंप्लीटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया गया है जो अभी तक कभी भी सीबीएसई ने कभी पूछा नहीं था क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा पैराग्राफ है, उसको पढ़ने के बाद उसके बाद आपने 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। और ये पैराग्राफ लिया कहाँ से गया है वो देखिए आप, फॉरेन ऑथर की बुक है वहां से इसको लिया गया है। तो अभी ये छोटा सा इंडिकेशन है आपके लिए कि भी आप अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करिए अच्छे से, ठीक है। एनसीईआरटी को बड़े अच्छे से पढ़िए और जो आपके पास और सोर्सेज हैं उससे आप अपनी स्टडी को करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो बोर्ड अभी क्योंकि सैम्पल पेपर अभी उन्होंने अपडेट किए हैं तो बोर्ड कम्प्लीटली पॉजिटिव है कि वो आपके पेपर लेने वाला है टर्म 2 के। तो अगर आपके टर्म 1 में अच्छे पेपर नहीं हुए हैं तो टर्म 2 में आप उस लॉस को कवर कर सकते हो, ठीक है।